बॉडी बिल्डिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस देना पड़ता है. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आई हैव रियलाइज कि बॉडी बिल्डिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. वन, ईगो. बॉडी बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग ऑफ बॉडी. हमारी सारी जो ईगो हमारी बॉडी के साथ जुड़ जाती है. इसका मतलब कि अगर कोई डिजीज आती है एंड इंजरी होती है, हमारी बॉडी झड़ती है, तो हमें क्या होता है? डिप्रेशन. याद रखो कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी, ना ही आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी रुकेगी. लाइफ के अपने तरीके हैं आपको नए नए लेसन सिखाने के, उन्हें सीखते रहिए और ऑब्सेस्ड मत हो जाइए अपनी बॉडी को लेकर. टू, जॉइंट पेन्स. जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी तो मैं आर्नोल्ड, रोनी कोलमैन और कितने सारे बड़े बॉडी बिल्डर्स की मोटिवेशन वीडियोस देखता था, जिसमें हैवी वेट उठाते और मोटिवेटेड होकर मैं भी जिम में जाके हैवी वेट्स उठाता था. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स मुझे रियलाइज हुआ है कि जॉइंट पेन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं योगा के साथ, स्ट्रेचिंग के साथ और फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन्स के साथ. थ्री, सोशल लाइफ. जब हम बॉडी बिल्डिंग के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो 24 घंटे हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? हमारी डाइट, हमारी स्लीप, हमारा वर्कआउट, हमारे प्रोटीन शेक्स. इसकी वजह से हम जो सोशल लाइफ नॉर्मल होती है उसको जीना भूल जाते हैं. यहां तक कि बहुत सारे लोग अपने डेट्स के ऊपर भी प्रोटीन शेक्स लेकर जाते हैं. तो इस चीज का ध्यान रखें.